हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्ञान गंगा एकेडमीज इंटरैक्टिव क्लासेस। हेलो एवरीवन, टुडे वी विल वर्क इन टू सब्जेक्ट्स, फर्स्ट इन इंग्लिश एंड सेकंड इन मैथ्स। वी विल स्टार्ट विद इंग्लिश एंड स्टूडेंट्स, दिस इज योर इंग्लिश राइटिंग बुक कर्सिव वर्कबुक पार्ट वन। बच्चों, आज हम दो सब्जेक्ट में वर्क करेंगे। पहले हम इंग्लिश में वर्क करेंगे और उसके बाद हम मैथ्स में वर्क करेंगे। और ये आपकी इंग्लिश की राइटिंग बुक है कर्सिव वर्कबुक पार्ट वन। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 48। और अब हम आपकी इंग्लिश राइटिंग बुक के पेज नंबर 48 पर हैं। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 48 निकालेंगे। एंड आर टुडेज टॉपिक इज ओ, कैपिटल लेटर ओ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओ। एबीसीडी में आप पढ़ते हैं ना, ओ फॉर ऑरेंज, राइट? तो ये है ओ, ओ फॉर ऑरेंज। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? ओ। तो चलिए आज हम क्या करेंगे, पहले ट्रेसिंग वाली लाइन पर ओ बनाना सीखेंगे और फिर उसके बाद जहां पर ट्रेसिंग नहीं है वहां पर डॉट्स की हेल्प से हम ओ बनाएंगे। तो ओ बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक सर्कल बनाना है। पहले ये हमने हाफ सर्कल बनाया इस तरीके से, फिर उस हाफ सर्कल को हमने इस तरीके से थोड़ा ऊपर ले जाएंगे और थर्ड में हम उसको पूरा बना देंगे इस तरीके से, और थोड़ा सा उसको अंदर की तरफ को लेके आनी है, ये छोटा सा इसका ऐसे, ठीक है? तो ये बन जाएगा ओ फॉर ऑरेंज, राइट? तो इस तरीके से पहले उसको ट्रेसिंग वाली, जहां पर आपको ट्रेसिंग है वहां पर उनको बनाएंगे ओ को, और उसके बाद जहां पर ट्रेसिंग नहीं है वहां पर आपको किस तरीके से बनाना है डॉट्स पर, ये मैं भी आपको बताऊंगी। तो ये बन गया ओ, ओ फॉर ऑरेंज। अब जहां पर आपको ट्रेसिंग नहीं दी गई है वहां पे सिंगल डॉट दिया गया है, यहां पर हम कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, एक डॉट और यहां पर लगा देंगे नीचे थर्ड वाली लाइन में, वन टू थ्री। तीसरी वाली लाइन में हमें एक डॉट लगाना है और फिर पहले वाले डॉट से लेके इस वाले डॉट तक एक सर्कल बनाना है ऐसे, और फिर इस डॉट से उसको थोड़ा सा अंदर ऐसे ले जाना है, राइट? ऐसे ही फिर नेक्स्ट में करेंगे, हम एक डॉट लगा देंगे यहां पर ऐसे और यहां पर इस तरीके से सर्कल बना देंगे ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज, राइट? आपको एक सर्कल बनाना है और बन जाएगा ओ फॉर ऑरेंज। ऑरेंज बच्चों को पसंद भी होता है ना, फ्रूट सभी बच्चे खाते हैं ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज। तो ये है ओ फॉर ऑरेंज। इसी तरीके से आपको पेज नंबर 49 पर भी, पहले जहां पर ऊपर ट्रेसिंग दी गई है वहां पर आपको बनाना है, और उसके बाद जहां पर ट्रेसिंग नहीं दी गई है वहां पर आप उसी तरीके से एक डॉट लगाएंगे और फिर इस तरीके से यहां पर ओ फॉर ऑरेंज बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपको अपने बुक में पेज नंबर 49 पर भी ये ओ फॉर ऑरेंज इस तरीके से बनाना है, राइट स्टूडेंट्स? तो पहले हम ऊपर जो ट्रेसिंग वाली लाइन दी गई है वहां पर बना लेंगे, और उसके बाद फिर जहां पर ट्रेसिंग नहीं है वहां पर हम इस तरीके से डॉट लगाकर ओ फॉर ऑरेंज बना लेंगे, राइट? तो अब चलते हैं आपके सेकेंड वर्क पे, आपकी मैथ्स की बुक की तरफ। दिस इज योर मैथ्स राइटिंग बुक नंबर्स 1 to 20। एंड नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 41। और अब हम आपकी मैथ्स की राइटिंग बुक के पेज नंबर 41 पर हैं। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 41 निकालेंगे, 41। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1616। तो सबसे पहले हाउ मैनी ग्रेप्स आर देयर, हम हमेशा काउंट करते हैं ना कि ऊपर हमें कितने ग्रेप्स दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम उन्हें काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, राइट? तो 1616 ग्रेप्स हैं यहाँ पर, आपको इनमें कलर करना है यहाँ पर, ओके? उन्हें काउंट करेंगे और उसमें कलर करेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पर 1616 लिखना है। तो पहले क्या लिखेंगे, 1 और उसके बाद 6, 1616, राइट? जो हम बोलते हैं पहले उसी को हम
राइट करते हैं, मतलब कि उसी को हम लिखते हैं। तो पहले हमने वन बोला तो हमने वन लिखा, वन, और फिर उसके बाद सिक्स, तो उसके बाद हम लिखेंगे सिक्स, राइट। उसी तरीके से नीचे वाली लाइन में वन सिक्स सिक्सटीन, राइट। अब क्या करना है हमें, अब हम यहां पर डॉट्स की हेल्प से पहले वन बनाएंगे। वन बनाने के लिए हमें इस तरीके से टू डॉट्स लगाने हैं, और सिक्स बनाने के लिए भी हमें इस तरीके से टू डॉट्स लगाने हैं। वन के डॉट सीधा है स्टैंडिंग लाइन का, और सिक्स का स्लांटिंग लाइन में है। तो पहले वन बनाएंगे, वन और फिर सिक्स, ऐसे बनाया और एक सर्कल, वन सिक्स सिक्सटीन, राइट। तो इस तरीके से पहले आप वन सिक्स सिक्सटीन के डॉट लगा लेंगे, और फिर उस पर वन सिक्स सिक्सटीन बना लेंगे, वन सिक्स सिक्सटीन बोलेंगे जरूर, तभी हमें पता चलेगा कि हमें क्या लिखना है। तो पहले वन बोला तो वन लिखा, फिर सिक्स बोला तो सिक्स लिखा, वन सिक्स सिक्सटीन, राइट। तो इस तरीके से आप अपने बुक में पेज नंबर 41 पर 1616 अपनी बुक में लिखेंगे, इस तरीके से डॉट्स लगाएंगे, और फिर वहां पर सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी बुक में 1616 लिखेंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड गुड डे। आई होप यू एंजॉयड आवर वीडियो, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।